तो 19वीं गाथा के भावार्थ में जो अपन ने चर्चा की थी उसके आधार पर ये दो बातें सिद्ध हुई थी कि दर्पण की अग्नि और वास्तविक अग्नि और इन दो में मैं कौन। भूल यही है हमारी कि हम जलने वाले ईंधन को, जलने वाली अग्नि को अपना स्वरूप समझते, जबकि आचार्य भगवान पुकार पुकार कर कह रहे कि जलने वाली अग्नि तू नहीं, जलाने वाला ईंधन तू नहीं, जलती हुई अग्नि और जलाने वाले ईंधन को दर्शाने वाला चैतन्य दर्पण तू। क्या बोला? बोलो जरा इस लाइन को जरा गहराई से समझना। जलने वाली अग्नि तू नहीं, जलाने वाला ईंधन तू नहीं, बल्कि कौन? जलती हुई अग्नि और जलाने वाले ईंधन को दिखाने वाला, बताने वाला, जानने वाला चैतन्य दर्पण मैं हूं। ये भाव कर्म है ईंधन, द्रव्य कर्म है अग्नि। आई बात समझ में? ईंधन क्या करता है? अग्नि को प्रज्वलित करता है ना, करता है नहीं करता? ईंधन घी हो, तेल हो, कोई भी हो, वो क्या करता है? अग्नि को बढ़ाता है। तो वो अग्नि क्या है? बोले राग की आग है, द्वेष की आग है, मोह की आग है। बराबर? अब गजब बात यह है कि भाव कर्म की अग्नि बाहर है, भाव कर्म को बढ़ाने वाला, भाव कर्म को उदय में लाने वाला द्रव्य कर्म भी बाहर है, और उन भाव कर्म का पराक्रम और द्रव्य कर्म के पराक्रम को जानने वाला चैतन्य तत्व में। बार बार ऐसा होता है कि दर्पण की अग्नि को, जैसे अपन जब छोटे होते हैं ना, अथवा छोटे क्या, जब किसी भी चीज से इमोशनली जुड़ जाते हैं, सीरियल आ रहा हो, बराबर, उस सीरियल में कोई आपकी फेवरेट जो होती है नायिका, वैसे सीरियलों में नायिका को रोने का ही काम मिलता है, जितनी ज्यादा वो एक्ट्रेस होगी, वो जितनी रोएगी उतना सीरियल अच्छा चलेगा। समझा? तो वो रोते हुए देखे और ये अपने स्वरूप को भूल जाए और तन्मय हो जाए तो वहां वो रोवे और यहां गृहिणी रोवे। समझ आ रहा कि नहीं? ये क्या हुआ? वो रोने का मूल कारण क्या है? रोने का मूल कारण वो दिखा ये है क्या? नहीं, देखते देखते तन्मय हो गए, अपने को भूल गए, इसलिए रोना पड़ता है। तो न देखते तो दस है, लेकिन दस के दस नहीं रोते। जो डूब जाता है, जो उसमें देखते देखते ये भूल जाता है, ये सब अभिनेता अभिनेत्री हैं जो धन ले लेकर अपना जॉब कर रहे हैं, ग्लिसरीन लगा लगा के रो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर आपका ध्यान ग्लिसरीन पर जाए तो आपको आंसू ना आए, आपका ध्यान ग्लिसरीन पे जाता ही नहीं, अभिनेता अभिनेत्री इस पर जाते ही नहीं, टीवी पे चल रहा है ये जाते ही नहीं। जब सब भूल जाते हो और उसमें डूब जाते हो तब जाके आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू ही नहीं, गुस्सा भी आता है अकेले एक, मतलब हर जो भाव उसको एक्चुअल में हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, लेकिन जो सीरियल को तन्मय होके देखता है वो हर भाव उसको, वो विलन हो उसको इतने ही शत्रु बने का भाव आ जाता है। अच्छा मार, अच्छा मार, अच्छा सुना, अच्छा, अरे तुझे क्या है? उसको तो डायलॉग मिला और उसने पढ़ दिया और ये बैठे बैठे कर मानता है। हाँ, उसको तो डायलॉग मिला और डायलॉग पढ़ दिया उसने, और ये देखने वाला, सच में मैं वास्तव में इस डेली सोच देखने से बड़ी कोई मूर्खता मुझे नहीं लगती। अब जो देखने लगता है वो बात अलग है,
बाकी अगर लॉजिकली इसको एनालाइज करने जाओगे लॉजिकली, तो इससे बड़ी, वैसे तो सारा संसार मूर्खता से भरा हुआ है, लेकिन ये मूर्खता की पराकाष्ठा। धन वैभव भी कब के मूर्खता ही कर रहे हैं, धंधा पानी करके भी हम मूर्खता ही कर रहे हैं, क्योंकि जो साथ में जाना नहीं है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो भी मूर्खता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड मूर्खता है। वो कैसी है मूर्खता? रजिस्टर्ड मूर्खता है कि भाई दो रूप में लोक व्यवहार में स्वीकृत है, और शास्त्रों में भी आज्ञा दी है कि भैया घर गृहस्थी अगर आप हो तो उसमें आपको करना, वो रजिस्टर्ड मूर्खता है, तो मूर्खता ही। लेकिन ये क्या है? हद है। समझ में आया क्या है? अब देखना वहां पे अपन समझते हैं कि जैसे दिख रहा है इसके कारण वो माता बहन या भाई रो रहा हो, ऐसा नहीं है। देखने पर उसे कुछ चीजें भूल जाता है, इसके कारण तन्मय होता है, और उस तन्मयता के कारण उसके मनोभावों के साथ में जुड़ जाता है। उसके मनोभाव जो एक्चुअल में उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं, अभिनेता अभिनेत्रियों को वैसे मनोभाव हो रहा है कि नहीं, वो पिक्चर में सीरियल में जिसको विलेन और बताते हैं वो बाद में बैठ के चाय पीते हैं, और अपन देखिए विलेन तो मारेगा नहीं, हीरो तो ऐसा अर्थ हो, लेकिन जब उसकी में तन्मयता होती है तो तन्मयता के कारण हम उनको उनके रूप में नहीं देखते, हम उनके रोल के रूप में देखने लगते, और ये रोल हो रहा है ये भी नहीं देखते, ये रियल में हो रहा है ये देखते। और जब आप उनके रोल को भूल जाते हो, रोल को याद रखते हो, स्वभाव को भूल जाते हैं, और वो रोल रियल में हो रहा है, ऐसी आपके मन में भ्रांति होती है, तो टीवी पर पिक्चर पे दिखने वाला हर दृश्य आपके अंदर में वैसे ही राग द्वेष को उत्पन्न करता है जैसे आपके साथ, यानी गड़बड़ वो नहीं कर रहे, गड़बड़ हम कर रहे। जैसी गड़बड़ टीवी को देखते देखते, फिल्म को देखते देखते करते हैं, वैसी गड़बड़ी जीवन में करते हैं, बराबर। लेकिन अंतर इतना है कि वो रियल लाइफ को रियल मानते हैं, यहां पर वर्चुअल लाइफ को रियल मान रहे हैं। वर्चुअल है ये जीवन, आभासी जीवन है ये अपना, सच बोल रहा हूं, ये अपना जो जीवन है ना, जिसे आप भले ही रियल मानते हो, ये रियल है क्या? जो अरियल होवे तो आत्मा आ रहा दिखे, लेकिन आत्मा तो दिखता नहीं, इसलिए आभासी है। सुख आभास है, दुख आभास है, सारा जीवन आभास, आप ख्याल में रखने यार, लाभ भी आभास है। सच बताओ, रोज शाम को हम व्यापार में देखते हैं 2-5 लाख रुपए आ गया, और रोज देखते हैं कि इतना चला गया, लेकिन वास्तव में देखो तुम्हारे में कुछ आया, तुम्हारे से कुछ गया, तो जब तुम्हारे में कुछ आया नहीं, तुम्हारे में कुछ गया नहीं, तो ये आभास नहीं तो क्या है? जैसे हम पहले वीडियो गेम खेलते थे, वो सब लोगों ने 19 के बच्चों ने खेला होगा मारियो, उसमें गोल्ड कॉइन कलेक्ट करते थे, गोल्ड कॉइन 100 गोल्ड कॉइन इकट्ठे कर लेना, 100 गोल्ड कॉइन। अब ये 100 गोल्ड कहां इकट्ठे हुए? मिले दिनेश भाई कभी? मैं तो बहुत खेलता था, आज तक अगर वो सारे इकट्ठे हो जाते तो मुझे तो कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने कॉइन इकट्ठे कर दिए हैं, कहां गए वो? अरे गेम था बस, जैसे वो मारियो गेम के गोल्ड कॉइन तुम्हारे पॉकेट में नहीं आते, ऐसे यथार्थ पैसे भी जिन्हें तुम कहते हो वो भी तुम्हारे अंदर कहां आते हैं? मैसेज आता है तुम्हारे मोबाइल में, वो भी पैसे कहां आते हैं? है? पैसे आते कि मोबाइल में मैसेज आता है कि इतने इतने रुपए डेबिट हो गए, इतने इतने रुपए क्रेडिट हो गए, आते कहां? नहीं नहीं घर में जाते, घर में आते तुम्हारे पास कहां आते? बोले तिजोरी में, तिजोरी में आते तुम्हारे पास कहां आते? पॉकेट में आते तुम्हारे पास कहां आते? ये गवर्नमेंट तो क्रिप्टो करेंसी पर आज बैन लगाने का सोच रही, धर्म तो कहता है सारी करेंसी क्रिप्टो ही। है
है, आपको नहीं समझ आ रहा क्रिप्टो करेंसी, ये अभी नया चक्कर चालू हुआ है, है? ये गवर्नमेंट तो आज कह रही है कि जो चीज है नहीं उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो, यही हुआ ना क्रिप्टो करेंसी, क्यों अपूर्व भाई इसका मतलब, हाँ वर्चुअल, कि जो चीज है नहीं यूथ को बोल रहे मोदी जी चिल्ला चिल्ला इनके चक्कर मत पड़ो, इनके चक्कर मत पड़ो, ये सारे अभिनेता तुमको बेवकूफ बनाने के लिए आजकल एडवर्टाइज करने लगे उसका, है हाँ अनविजिबल। तो गवर्नर मोदी जी अब कह रहे हैं यूथ को कि भाई यूथ इसमें पैसा लगा लगा के बर्बाद हो जाएगा, इनके चक्कर मत पड़ो। मोदी जी जैसे कह रहे हैं ना कि जो करेंसी दिखती नहीं उसके पीछे मत पड़ो, आचार्य भगवान तो पहले से ही कह रहे हैं ये करेंसी है ही नहीं, कागज का टुकड़ा है, इसके पीछे मत पड़ो, ये सोना चांदी है ही नहीं, मिट्टी का ढेला है, इसके पीछे मत पड़ो, है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे मोदी जी कह रहे कि युवा इसके चक्कर में पड़कर बर्बाद हो रहे हैं, आचार्य भगवान भी अपने कह रहे ये सब होशियार समझदार जिम्मेदार ये सारे जीव इस धन और आभास के चक्कर में पड़कर अपने नरभव को बर्बाद कर, अंतर इतना है वो क्रिप्टो करेंसी को करेंसी मान रहा है और यहां सारी करेंसी को क्या माना जा रहा है, क्रिप्टो माना जा रहा है, ये सब कूट है, यथार्थ नहीं, आभास। सच बता रहे हैं भैया, हम आभासी दुनिया में ही जी रहे हैं, हमारा लाभ आभास है, हमारी हानि आभास है, हमारा संयोग हमारा वियोग, हमारा सुख हमारा दुख, हमारा अपना हमारा पराया, ये सब आभाषिक है, यथार्थ अरे प्रभु, यथार्थ तो चैतन्य ध्रुव नायक तत्व है जो है, बाकी तो माना जा रहा है। दो में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या क्या बोला है इसको, एक तो है और एक को माना जा रहा है, एक है और एक माना जा रहा है, तो जो भेद ज्ञान है ना वो है के बलबूते पर होता है, माने जाने वाले के बलबूते पर नहीं होता। भेद ज्ञान कैसे होता है के बलबूते पर, और है कौन है, बोले आत्मा है, तो जब तक भेद ज्ञान में आत्मा नहीं आवे, ज्ञायक स्वभाव ना आवे, तो भेद ज्ञान कैसा भेद ज्ञान? धर्म बाकी सब तो माना जा रहा है, जैसे जगत में मान रहे वैसे यहां पे मान रहा है सब, जन्म मान रहे हो होता नहीं, मरण मान रहे हो होता नहीं है, क्या कह रहे हैं समझ रहे हो, क्यों सुन रहे हो, ये कितने गहरे शब्द हैं, कितने गहरे शब्द हैं, विचार तो करो कि जन्म माना जाता है, बोलो होता नहीं है, मरण माना जाता है, हैं माना जाता है होता नहीं है, लाभ माना जा रहा है होता नहीं है, हानि मानी जा रही है होती नहीं है, सुख माना जा रहा है सुख है नहीं, दुख माना जा रहा है दुख है नहीं, आ, 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 आ। पूरा जीवन आभास में चल रहा है, माने ही तो जा रहा है, प्रिटेंड ही तो करो और कर क्या रहा है, बैठे बैठे जन्म ले लिया, आज जन्म का दिन है मेरा साहब, जन्म का दिन, अब तुम्हारा जब जन्म हुआ ही नहीं तो जन्मदिन कहां से हुआ, माना जा रहा है, मर गए साहब, मरा मरण है ही नहीं, माना जा रहा है, लाभ हुआ नहीं कहां हुआ लाभ, हानि हुई नहीं कहां गई हुई हानि, सुख हुआ ही नहीं आज तक, क्योंकि आचार्यों ने तो कहा आत्मानुभव तो सुख है, तो सुख हुआ ही नहीं, मान लिया सुख हो गया, सुख हो गया, दुख, अच्छा दुख तो है कि नहीं, बोले दुख तो है, लेकिन ये तुम संयोग वियोग को मान रहे हो दुख, ये दुख नहीं है, वो राग देश दुख है, वो तुम्हें दुख लगता नहीं, समझ में आया, भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, बहुत दुख है, काय का दुख,
खेलने वालों को पैसे मिल रहा है, दिखाने वालों को पैसा मिल रहा है, देखने वाले टीवी फोड़ रहे। चलिए भाई, पूरा जगत आवासीक हो गया, इसीलिए इस आवासीक दुनिया से भेद ज्ञान करना। जैसे और जब तक आप, मैंने बोला था ना, जैसे रियल लाइफ के कारण कोई रोता नहीं है, लेकिन रियल लाइफ को रियल लाइफ मान लेते हो तो रोते हो, तो दुख होता है। रियल लाइफ का समझ गया ना, पहले एग्जांपल दिया, ऐसे ही रियल लाइफ तो है ही नहीं, वहां रियल को रियल मानकर दुखी होते हो, यहां रियल को भूलकर दुखी होते हो, इतना अंतर है। क्या बोला? वहां क्या करते हो आप, पिक्चर में सीरियल में रियल को रियल मानते हो इसीलिए दुखी होते हो, और यहां रियल को मानते ही नहीं हो, रियल को भूल जाते हो इसीलिए दुखी हो। आभासी दुनिया के समाधान भी आभास से निकाल दी। आज ही मैंने एक जो मतलब मुझे बहुत हृदय तक जो बात चोट पहुंचे उतर गई, वैदेही के साथ में पढ़ती थी एक बच्ची, धारवी नाम था, धारवी। आज मैंने उसकी साक्षी ने बताया उसका स्टेटस कि वो 9 दिन बाद दीक्षा ले रही, 9 दिन बाद दीक्षा, यहीं पे रहती है शायद, कहां पे, आफ्टर 9 दीक्षा ले लेगी। वैदेही बोले, मम्मी वो तो मुझे चिढ़ाती थी, ऐसा बोलती। कहा, 9 साल की बच्ची, 9 साढ़े 9 साल की बच्ची, और हाइट में तो वैदेही से भी कम है, उसके भी कंधे तक लगती है, इतनी छोटी सी बच्ची, उससे सारे नियम दिलवा रहे हो, कुछ पता नहीं बेचारी को है। अब बस ये थोड़े साल भर 6-8 महीने पहले ये सुना था, शायद पर्यूषण में सुना था, 8 करी थी। अब बस उसके बाद में दूसरी खबर आई, दीक्षा ले रहे, मतलब 8 कर ली, मतलब ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब दीक्षा ले लो। भेद ज्ञान तो कहां आया? मतलब इतना ज्यादा, वैदेही के बर्थडे पर भी आई थी वो एक बार, एक हाँ चौथा पांचवा बर्थडे जब उसका घर पे मनाया तब से दाई भी है? क्या है ये जी, मतलब आभासी दुनिया और आभासी धर्म, क्या शब्द बोल रहा हूं, आभासी दुनिया और धर्म भी कौन सा हो गया, आभासी धर्म। सारा जीवन ही आभास था माना, लेकिन धर्म तो यथार्थ था ना, तुम एक आभास को छुड़ा के दूसरे आभास में करवा दो उसको। पहले घर परिवार में पढ़े थे, अब घर परिवार में लेके गुरु और दीक्षा ना, ये कहां पता चल रहा है? मुझे तो ये बहुत बड़ी वो लगती है भूल, कि जिसको जो नियम दिलवा रहे हो उसे उसका पता ही नहीं, अंधेरे में रखकर उसे नियम दिलवा रहे हो, महाव्रत दिलवा रहे हो तुम उसे, और जबकि उसे कुछ पता ही नहीं है कि होते क्या। कि कैसे मान लें धर्म हो रहा है, कैसे मान लें? हाँ, मैं नहीं कहता सच्ची दीक्षा झूठी दीक्षा जैसी भी दीक्षा देनी हो, लेकिन होश में रखकर तो है, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बेहोशी की हालत में काम हो रहा है, वही मैं वही बता, वैदेही के साथ में देखा है तो जो जो भाव वैदेही के होते हैं वही होश के साथ में, और कोई ऐसा अद्भुत जीवन तो दिखा नहीं कि भाई कोई पूर्व के संस्कार के कारण कुंद आचार्य देव के जैसा विशेष ज्ञान, मतलब ऐसा कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई देते। वैदेही तो खुद बोल रही थी कि थोड़े दिनों पहले तक तो वो मुझे चिढ़ाती थी, वो इसका ग्रुप बना लेती थी, उसका ग्रुप बनाती थी, मतलब कोई मनोभावों में शुद्धि हो, पूर्व के संस्कार जागृत हो गए हो, ऐसा कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। रंग सागर ये ना आपके वहां से, वहां जाते हैं ना ये मल्लीनाथ फ्लैट ना यहाँ पे चंद्रनगर में, वहां से थोड़ा अंदर जाने पर ये कोई सोसाइटी है शायद, वहीं पर है। उसके जन्मदिन पर भी मैं गया था उसके घर पे, 1.5-2 साल पहले की बात। भाई ऐसा हो रहा है, आभासी दुनिया में रहने वाले जीव
यथार्थ दुख को छुड़ाने के लिए, जैसे यथार्थ सुख तो खबर नहीं लेकिन सुख के आभासी साधन लेकर आ जाते हैं। क्या बोला? फिर से मेरी बातों को गहराई से समझना। आभासी दुनिया में रहने वाले हम सब, जैसे यथार्थ सुख की तो खबर नहीं, यथार्थ सुख तो आत्मानुभवन है, उसका तो बांध नहीं, तो किसको लेकर आ जाते हैं? आभासी साधनों को लेकर आ जाते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, कपड़े, खाना पीना, ये वो वगैरह वगैरह। ऐसे ही आवासी दुनिया में रहने वाले जीव, कुछ जीव यथार्थ दुख को दूर करने के लिए आभासी सुख का साधन ले आते। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, ये यथार्थ दुख है और उसको दूर करने का यथार्थ साधन यानी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यथार्थ साधन का तो बांध नहीं, एक और आभास क्रिएट कर दिया। कौन सा? दीक्षा का आभास। अब उसे लग रहा है कि अब मैंने दीक्षा ले ली, अब मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे हमें लग रहा था कि पहले मकान नहीं था तो मैं दुखी था, अब मकान हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे पैसा नहीं था तो मैं दुखी था, अब पैसा हो जाएगा, कहां हुआ, वैसे का वैसा दुख रहा। ऐसे ही वेश बदलने से थोड़ी कोई दुख बदल जाएगा। आभास का निराकरण दूसरा आभास थोड़ी है। आ क्या करें, विचार करके तो है समझ में। कोई भी बुद्धिजीवी इस बात को नहीं स्वीकार सकता कि ऐसा दुख को दूर करने के लिए एकमात्र वेश बदलना पड़े। अनादिकालीन जमा जमाया दुख, अनादिकालीन जमा जमाया दुख, अज्ञानता से उत्पन्न दुख, वो अज्ञानता से उत्पन्न दुख भी अज्ञानता में दूर हो जाए। ये तो भाई बात हुई, अमावस का अंधेरा अमावस से छट जाए। अमावस का अंधेरा अमावस से छटेगा क्या? अज्ञानता जन्य दुख अज्ञानता में मिटेगा क्या? एक आभास से हटे ना दूसरे आभास में आ गए, यथार्थ तो हुआ ही नहीं। समझ में आया? ऐसा जगत में चल रहा है भैया। और पहले तो जैन धर्म में भी ऐसा चल रहा है, क्या कहें, क्या इतना तार्किक धर्म, इतने पग पग पर सारी बातें समझा समझा के कहने वाली बात, और उसके बाद में भी सब गतानुगतिक प्रवाह चल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहे हैं कि अज्ञानता ही दुख है और ज्ञान ही शरण। इसी के संबंध में कलश लिया है। देखो वो दो लाइनें जो काम की है वो काम की तो सभी हैं ऐसा नहीं बोला काम की, लेकिन जिन पे थोड़ी चर्चा करने का विशेष अधिक मन है। देखो 21 नंबर का कलश देखो। कथमपि लभन्ते वेद विज्ञान मूला, बोलो मचलित अनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा। प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावै, मुकुरवद विकारा संततम स्योस्त एव। पढ़ो एक बार पढ़ो। देखो यथार्थ की खोज वो भेद ज्ञान है। क्या बोला? जो अपन अभी चल रहे चर्चा कर रहे थे, आभास और यथार्थ। रियल लाइफ से जैसे हमने रियल लाइफ में का भेद ज्ञान कर लिया, तो कैमरे, टीवी और सिनेमा के दृश्य हमें प्रभावित नहीं करते। कब नहीं करते? कब नहीं करते? जब आपने रियल लाइफ से
रियल लाइफ को भिन्न कर ली, तब ये दृश्य आपको प्रभावित नहीं। वैसे रियल को जानकर रियल की अनुभूति करते हो तो ये रियल लाइफ भी कैसी लगने लगती है, फेक लगने लगती, आभासी लगने लगती है। और आभासी लगती है तो इस आभासी दुनिया के संयोग वियोग हानि लाभ जन्म मरण भी हमें प्रभावित नहीं। तो यही बात है, आभासों से हटकर यथार्थ की खोज, उसका नाम भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान क्या है? आभासों से हटकर किसकी खोज? यथार्थ की खोज। विज्ञान ये कोई दंत कथा नहीं है। भेद ज्ञान एक तो चको ने एक तो मको, ये चको मको की वार्ता नहीं है भेद ज्ञान, ये भेद विज्ञान है। विज्ञान मतलब ठोस ज्ञान, कारण कार्य के नियमों से चलने वाला ज्ञान। और किसका? बोले भेदों का। जो भेद है, भेद है मतलब भिन्न है, बराबर, तो भिन्न को भिन्न जानने का जो ठोस विज्ञान है उसका नाम भेद ज्ञान। क्योंकि यथार्थ को जब तक आपको समझना है तो इन सारे आभासों से भिन्न देखना पड़ेगा। आभास को यथार्थ मान लोगे तो कैसे खोज पाओगे? समझ में आया कि नहीं आया? होता कि नहीं होता? आप विचार करके देखो। आभास को यथार्थ मान लिया, समझे? आभास को यथार्थ मान लिया मतलब क्या? कोई मान लो, जैसे माइलस्टोन है ना, माइलस्टोन में लिखा है दिल्ली, अब वो बता रहा है दिल्ली जाने का रास्ता। अब आपने मान लिया कि यही दिल्ली है, यही आगरा है, और आप उतर गए और उतर गए। अब उस माइलस्टोन को आप, माइलस्टोन में दिल्ली तो था नहीं, लेकिन आपने क्या मान लिया उसे? दिल्ली। अब घूम रहे हो वहां पे, लाल किला मिल जाए, कुतुब मीनार मिल जाए, आगरा मान के उतर गए तो खोज रहे हो कि ताजमहल मिल जाए। आप जो है नहीं उसको मान लिया तो क्या होगा? मानने से कोई वस्तु बदल जाएगी क्या? वो माइलस्टोन तो माइलस्टोन नहीं था, दिल्ली तो दूर ही थी। दिल्ली में रहने वालों के लिए दिल्ली दूर होती तो तुम तो यहां बैठे। मान लिया कि भाई मैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, मान लिया तो क्या हो गई हजारों साल की उम्र? हो गए 50,000 दिन वर्ष। मानने से कोई वस्तु थोड़ी बदल जाती, समझ में आया? तो ये मानने वाला धर्म नहीं है। जैन धर्म मानने वाला धर्म नहीं, ये जानने वाला धर्म। जो है जैसा है जानो, ये सबसे बड़ी, इसको अगर अगर 17वीं 18वीं गाथा से जोड़े ना तो ऐसा है कि दूसरे धर्मों में मानो और फिर जानो वाली बात होती है। इसीलिए वहां पे विश्वासु पैदा होते हैं, जिज्ञासु पैदा नहीं होते। जैन धर्म कहता है पहले जिज्ञासु बनो, बाद में विश्वासु बनो। आई कि नहीं? दोनों का अंतर। दुनिया क्या कह रही है? विश्वासु बनो, मान लो माता है कोई। कितनी सारी माताएं हैं, है? माता रानी सब ठीक कर देगी, माता रानी सब ठीक कर देगी, हर एक के मुंह से निकल रहा। आप है कैसी, मान लो ना, धर्म में शंका नहीं की जाती। धर्म में, धर्म तो श्रद्धा का विषय है। ऊपर से श्रद्धा पे ऐसा कर दिया कि जो श्रद्धा नहीं रखोगे तो ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। और यही चीज हो रही है ना, लोगों को पहले विश्वासु बना दिया जाता है और फिर कहते कि तुम अगर विश्वासु नहीं, तुम्हारे ऊपर श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा काम नहीं। ज्योतिष वाले भी विश्वासु बना रहे, वास्तु वाले विश्वासु बना रहे, ये सब दुनिया के जितने मत चल रहे ये सब क्या करते? पहले नंबर क्या बनाते हैं? विश्वासु बनाते। जैन धर्म कहता नहीं, पहले जिज्ञासु बनो,
बाद में विश्वास होगा। जानो तब मानो, मानो और जानो ये नहीं। क्या नियम है, सत्रहवीं अठारहवीं में भी यही था ना, जैन है था ना, पहले जानियूण शब्द है दी, क्या शब्द था, जानकर श्रद्धा करे, जानकर श्रद्धा करे, श्रद्धा करके जाने ये बात की बात है, पहले जानो तो है क्या। और इसीलिए तो टोडरमल साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा तो पहले पंच परमेश्वरी का स्वरूप बताया कि भैया तुम रोज नमो, कोई भी हो ना, पहले नमोकार मंत्र तो पढ़ता है ना, तो एटलीस्ट नमोकार मंत्र में समझो तो कि है क्या। सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र कहता है, सिद्ध समझे तो क्या है, अरंत समझे तो क्या है। नमोकार मंत्र के 5-5 लाख लिखकर जाप को चौपड़े भर देता है, कितनी लिखकर, 5-5 लाख चौपड़े भर देता है, करोड़ों करोड़ों मंत्र का जाप कर लेता है, मगर नमो रिंदाण का मतलब नहीं पता है। उपवास कर लेगा, सब कर लेगा, उपवास का मतलब नहीं पता, पूजन क्या होती है पता नहीं, धर्म क्या होता है पता नहीं, और सबका लग रहा है कि बढ़िया, क्यों, क्योंकि सबको क्या बताया, विश्वासु। अरे विश्वासु की बजाय पहला पाया जिज्ञासु का रखा होता तो धर्म ज्यादा जीवंत होता, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। पहला पाया धर्म जिज्ञासु का नहीं रखा, पहला पाया किसका रखा, विश्वासु का, इसीलिए खोज ही नहीं पैदा हो रहा है, खोज ही नहीं बन रहा धर्म में, जबकि ये धर्म कैसा है, खोज का है, स्वयं की खोज का विज्ञान है कि पर से भिन्न मैं कैसा हूं, ये खोजो, और ये खोजने की विद्या है उसका नाम भेद विज्ञान है। खोजो कि मैं धन वैभव को अपना मानता हूं, लेकिन ये तो स्पष्ट है भिन्न है। खोजो कि मैं शरीर को अपना मानता हूं, लेकिन मरने के बाद ये तो छूट जाता है। खोजो कि मैं रागादि भावों को अपना मानता हूं, लेकिन अनुभव में तो दिखते नहीं। खोजो कि मैं गुण भेद से जानता हूं, लेकिन सारी चीजें गायब हो जाती। तो ये धर्म कैसा है, विश्वासु बनाने का है कि जिज्ञासु बनाने का है। विश्वासु भी बनाना है, जिज्ञासा पूर्वक विश्वासु बनाना है, जानकर श्रद्धा करानी है, श्रद्धा करा करा के मजबूरी में जनाना नहीं। आई कि नहीं आई समझ में, मतलब इमोशनली बात शुरू करें, कौन सी बात है कि भाई देखो अब अपन जैन है ना भाई, देखो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा ना, अब धर्म तो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, अरे क्या मानना, पहले जानो फिर मानो। और एक बात बताओ, जान लिया पर मानने की जरूरत क्या है। मैं बहुत सरल सा एग्जाम, कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनके दो हाथ हैं, हाथ उठाओ। अरे नहीं मानते दो हाथ हैं, नहीं नहीं मानते दो हाथ हैं, हैं? क्यों, कैसे मान लिया, अरे हाथ उठाओ, हम शपथ लेते हैं पंच परमेश्वरी के सामने कि हमारे दो हाथ हैं। अरे जो नित्य जानने में आ रहा है उसको मानने की जरूरत ही नहीं, फिर मानना है ना वो ज्ञान की गहनता है। एक बार आचार्यों को कभी हमारे जैसा ये नहीं करना, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो पर से भिन्न हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ऐसे उपसर्ग आएगा तो वो स्टीरियोटाइप चालू कर देते होंगे, जैसे अपन चालू कर दे, शेर आया, अरे शेर पर द्रव्य है, ये शरीर पर द्रव्य है, ये खाएगा तो शरीर को खाएगा, मेरी आत्मा तो भिन्न है, अपन ऐसे स्टीरियोटाइप भेद ज्ञान की वो कड़ा चलाते ना, कब तक चलती है वो, जब तक शेर दूर होता है तब तक है, और अगर थोड़ा भी पास आ गया तो वो बाद में करेंगे, पहले भाव है,
ये स्टीरियोटाइप वेद ज्ञान सेठ की सलाह जापे तक वाली बात है, समझे कि नहीं समझे? कहते ना गुजराती में सेठ की सलाह क्या सुधी झापा सुधी पछी पछी तो जे जे छे ना ए ना प्रमाणे सेठ के से बद्दू कम बताईने 15 मिनट में आवी जजे पछी के साहेब जवातो तो पछी तो अहमदाबाद में ट्रैफिक बहु होई छे सान वालो माणस सुई जाए हूं कहीं भरे जाऊं कहीं आम थाए फोन आए पछी तो घणा कारणो छे झापा सुधी जी साहेब पछी कहा के साहेब तो आज सीरियोटाइप वेद ज्ञान छे ना तमारू आ क्या सुधी रहे तीव्रता एमा नथी प्रगाढ़ता एमा इतला माटे जे ज्ञान ज्ञान थी थसे ने जे ज्ञान ज्ञान थी थसे ए टक्स जेम के मैं आपने केवू नत पड़तो कि मारा बे हाथ छे बे आंख छे मानवानी जरूरत नथी जे नित्य जाणवामां आवे छे एने मानवानी जरूर एम आचार्य ऊपर उपसर्ग आवे तो आऊ आम स्टीरियोटाइप याद नत करता कि हूँ अरे हूँ आत्मा छू जाणावानी जरूरत नथी हूँ तो नित्य जाणु छू आ इंजेक्शन आवे तो मारा शरीर में नथी आवतो आत्मा में नथी आवतो आ हूँ अनुभव करूं छू आ खोजरो ना बेद ज्ञान छे चार शब्द गोखी ने वारंवार एनो जाप करवु एनो नाम बेद ज्ञान नथी घणा लोको मने के हजी पंडित जी बात बराबर तमे कहो छो अमे विचार करी याद पण करी हूँ आत्मा छू आत्मा छू आत्मा छू पर टकतो नथी टकशे क्यांथी जाण्या वगैरह माणी लीधु छे જાણ્યા વગર માણી લીધું છે માણવામાં તો શરીર પડ્યો છે અને અહીંયા જેમ જગતનું જ્ઞાન હોય એવી રીતે જ્ઞાન વધારી દીધું તમે શેઠ ને નોકર ને જુદા કરશો તો નોકર શેઠ ને ભૂલવાનો જ છે અહીં તો તું જ શેઠ છે ભાઈ ઝાપામાં પણ તું શેઠ છે મહેલમાં પણ તું શેઠ છે અને બધી જગ્યા તને તારી શિખામણ યાદ રાખવાની છે બે વસ્તુ કીધી કથમ અપી લભંતે વેદ વિજ્ઞાન મૂલા સ્વતો વા અન્ય તો અચિલતમ અનુભૂતિ કે ભાઈ બે પ્રકારથી કામ એ છે કે તમને ભગવાન આત્માનો અનુભવ થવું જોઈએ સ્વતા વા અન્ય તો વા કેવી રીતે તમારી જાતે પ્રેરણા થાય નરકમાં જેમ વેદનાને લઈને તમે સમ્યક દ્રષ્ટિ બનો દેવોમાં રુદ્ધિ જોઈને સમ્યક દ્રષ્ટિ બનો તો એ કહેવાય નિસર્ગ સમ્યક દર્શન બરાબર અને અહીં મનુષ્ય પર્યાયમાં તીર્થંકરોના મુનિરાજોના જ્ઞાનીઓના જીનવાણીના ઉપદેશથી તમે સમ્યક દ્રષ્ટિ બનો એ અંતર નથી કે સ્વતા કરો કે પરતા કરો પોઈન્ટ ખ્યાલમાં આવે છે સમજાય કે નહીં સમજાય કોઈ તમને તમે જાતે જમો કે કોઈ તમને બીજો જમાડે માદા હો નાના હો ત્યારે શું કરે બહુ વાલ આવે જ્યારે તો કોઈ બીજો જમાડે બરાબર કા તમે જાતે જમી લો ફરક એ નથી કે જાતે જમાડો જમો છો કે બીજો જમાડે છે મુદ્દા એ છે કે જમો છો કે નહીં ભૂખ મટે છે કે નહીં ભૂખ્યા તો નહીં મરતા આચાર્ય પણ એમ કે એ છોડો તમે જાતે થતું હોય તો સારું નહીં તો ઉપદેશથી પણ થાય તોય કઈ વાંધો સ્વતા વા અન્ય તો વા એ કહેકર મેં એક વાત કહેના ચાહ રહા હું બહુ સારે લોક જો એકાંત કો પકડતે નિમિત્તો કા માન નહીં રખતે બોલો કે ના ના સમ્યક દર્શન તો આત્માથી જ થવાનું છે ને તો કોઈ સાંભળવાની જરૂર નથી ક્યાંય જવાની જરૂર નથી ये बात कह के वो अमृतचंद्र आचार्य को भूल रहे आचार्य कह रहे कि बात सही है कि अपने से ही होता है लेकिन अधिगमन सम्यक दर्शन की व्यवस्था है यानी उसके किसी के उपदेश से आपका आत्मस्थिरता का भाव बढ़े तो वो जिनवाणी में स्वीकृत है आचार्यों ने कहा है कि भाई तुमसे स्वयं हो रहा हो तो अच्छी बात है नहीं तो उपदेश सुनकर भी करो जैसे कोई बीमार होता है ना तो सामान्यतः अपन लोग जैन लोग दवा बाहर की नहीं लेते
तो कहते कोई बात नहीं, गरगत्ता से ठीक हो रहा है तो वेल एंड गुड, पण बहु बगड़े तो डॉक्टर नी सलाह ले लो, मरवानू नहीं। ना ना हूं तो घर नो ज करीश बार नो, तो भाई आऊ आऊ जिद ना पकड़ाय, शू कहे छे त्या आवी जिद ना कराय, थतो होय वांधो नहीं वेल एंड गुड, पण ज्यारे ना थतो होय त्यारे डॉक्टर नी सलाह लेवी जोईए, कंसल्टिंग करवी जोईए। जेम संसार ने रोग दूर करवा माटे पण तमे बे उपाय करो ना, स्वता एटले घरगत्तु बराबर, अने अन्य तोवा एटले डॉक्टर नी सलाह, एक्सपर्ट एडवाइस। एवी ज रीते आत्मानुभवन मां पण बे काम करो ने, स्वता एटले नैसर्गिक सम्यक दर्शन, अन्य तोवा एटले ज्ञानी गुरु नो समागम। तमारा थी थतो होय तो वेल एंड गुड, पण ना थतो होय तो ना हूँ मरी जईश, पर डॉक्टर ना पासे नहीं जा। भाई आवी जिद मुनिराजो पण सीखवा माटे बीजा पासे जाए, सीखवाती कोई नानो न थई जतो। अपना त्या अध्ययन अध्यापन नी परंपरा नथी, निमित्त ने करता नथी मानता, एनो ए मतलब नथी कि कोई भणावतो नथी ना कोई भणता नथी, कि जे अमने ए शीखवाड़े छे ना कि निमित्त कहीं करता नथी, एमने पण ए शीखवाड्यु छे कि शिविर मां आवजो, कुंदकुंद आचार्यदेव अमृतचंद्र आचार्यदेव ये सब ये वस्तु स्थिति को जानते थे, लेकिन उसके बाद में भी दीक्षित हुए, उसके बाद में भी पढ़े, और पढ़े नहीं पढ़ाया भी, दीक्षित हुए ही नहीं दीक्षा दी भी, आत्मकल्याण को प्राप्त भी उपदेश, आत्मकल्याण का उपदेश लिया भी और आत्मकल्याण का उपदेश मतलब आप सबको हमको सबको समझना पड़ेगा कि उपादान का जोर इतना होता है और निमित्त का क्या निमित्त का मान कितना होता है, और अगर किसी निमित्त के माध्यम से आपका उपादान का जोर बढ़ रहा हो तो ऐसे निमित्त की प्रेरणा का निषेध नहीं। और गजब ये है ना कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो निमित्त का सर्वथा निषेध करें वो संसार के निमित्त का निषेध क्यों नहीं करते। मेरा एक बेसिक प्रश्न आता, संसार के तो सब निमित्त अच्छे में अच्छे चाहिए, निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध है, निमित्त का निषेध नहीं, ये दोनों का अंतर समझो। निमित्ताधीन दृष्टि मतलब अच्छे निमित्त के संयोग में आ गए, बस अब गुरुजी ने देख लिया, अब गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, अब हम अब काम हो जाएगा, बोले अब गड़बड़ हो गए तो तब तुम क्या हो गए निमित्त के अधीन। गुरुजी ने देख लिया तो काम नहीं होगा, गुरुजी जो दिखा रहे हैं वो देखोगे तो काम, ये इतना अंतर है। तो जैन धर्म में निमित्ताधीनता का निषेध है, निमित्त तो कार्य रूप में आता है, इसीलिए तो यहां पर लिखा है स्वता वा अन्य तो वा, स्वता करो वेद विज्ञान वेल एंड गुड, नहीं होता हो तो अन्य के उपदेश से भी करो, अंतर ये नहीं है किससे हो रहा है, मुद्दा ये है कि अनुभूति हो रही है नहीं हो रही। और फिर वो नीचे की दो लाइन में आता है कि जब अनुभूति होती है तो दर्पण की भांति सारे जो 20वीं गाथा के भावार्थ में की थी ना चर्चा, वही बात यहां पर आ रही कि सब दर्पण की भांति क्या दिखाई देने लगते हैं, भिन्न दिखाई देने लगते हैं। अहो ऐसी अनुभूति हमें भी प्रकट हो जिससे यथार्थ मैं कौन हूं इसकी खोज समाप्त हो, और जब तक ये नहीं हो रही तब तक खोजते रहो। क्या करते रहो? खोजते रहो, मानो नहीं जानो, जानते जाओ खोजते जाओ, परत दर परत अंदर उतरते जाओ, आत्मा वही है, मिलेगा जरूर मिलेगा।